तो सभी बच्चे बताएंगे आवाज क्लियर आ रही है, ऑलमोस्ट सही जोड़ चुके हैं अब सर। एक बार रेज योर हैंड बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बच्चों तीन चैप्टर का सेट है, एक तो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा जो है वो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, एंड तीसरा जो है वो थर्मोडायनामिक्स प्लस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे किससे, थर्मोडायनामिक्स से ही। तो स्टार्ट कीजिए, सबसे पहला लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इलेवेंथ का ये पार्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF लिख लीजिए। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिखेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए गैस मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए गैस मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए गैस मॉलिक्यूल कैन हैव एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी किसी भी गैस मॉलिक्यूल के पास कितने तरह से एनर्जी पॉसिबल है, हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की अब बात करेंगे, नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिएगा, लेक्चर के बाद मैं नोट्स भेज दूंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हम जब करेंगे तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, यहाँ पे अपने को दो तरह के गैसेस के बारे में पढ़ना है, एक है मोनो एटॉमिक गैस, एक है मोनो एटॉमिक एंड दूसरा अपने को पढ़ना है डाई एटॉमिक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मोनो एटॉमिक गैस जो है ना, दो तरह का डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लीजिए, एक होता है ट्रांसलेशनल और दूसरा होता है रोटेशनल। ठीक है, एक और वाइब्रेशनल होता है, वाइब्रेशनल अपने को नहीं पढ़ना है, अपना काम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल पे चल जाएगा। तो मोनो एटॉमिक गैस ऐसे गैस जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एक ही मॉलिक्यूल होता है, जैसे हीलियम हो गया, हीलियम इज मोनो एटॉमिक, इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो इसके पास बच्चे होते हैं 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। This gas can move in x direction, this gas can move in y direction, and this gas can move in z direction. तो 3 ट्रांसलेशनल हो जाएंगे, लेकिन रोटेशनल इसके पास कितना रहेगा, 0 रहेगा। रोटेशनल 0 क्यों रहेगा, क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल है ना बच्चों, तो इसका साइज आप खुद सोच सकते हैं, मोनो एटॉमिक गैस यानी हीलियम का एक एटम, और एटम का साइज क्या होता है, एटम का साइज होता है 10^-10 मीटर के ऑर्डर का, इतना छोटा तो एटम का साइज होता है। अब इतना छोटा अगर एटम का साइज है तो क्या इस वाले ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर सकते हैं, आंसर इज नो, पॉइंट्स कैन नॉट बी रोटेटेड। अगर किसी चीज को आपको रोटेट करना है देन दिस शुड मस्ट बी अ रिजिड बॉडी, दिस शुड मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स बॉडी। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करना चाहेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू रोटेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास कितना होता है, 0 होता है, जबकि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, वो होता है 3। बात करेंगे डाई एटॉमिक गैस ऐसे गैस है जिसके पास क्या है, जिसके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जैसे दो मॉलिक्यूल वाला कौन सा हो गया, H2 गैस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और या फिर आप बात कर लीजिए O2 जो होता है, इसका बात कर लीजिए, तो इसमें क्या है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं। अब दो मॉलिक्यूल्स हैं तब क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के डाई एटॉमिक बना रहे हैं, तो डाई एटॉमिक के पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं बच्चों, और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अब ये देखिए 3 ट्रांसलेशनल कैसे होते हैं, इसको आप डायरेक्टली एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसको वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसको जेड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक डायटॉमिक गैस है, तो इस गैस को हम कहां ले जा सकते हैं, इसको हम एक्स में ले जाकर जा सकते हैं, इसको हम वाई में लेके जा सकते हैं, इसको जेड में लेके जा सकते हैं। रोटेशनल 2 कैसा है ये समझिए, रोटेशनल 2 समझने के लिए यहाँ पे मैं बड़ा डायग्राम बना रहा हूं। ये हो गया एक डायटॉमिक गैस, अब ये अगर वाई एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है बच्चों, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको हम बहुत इजीली रोटेट करा सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर ये गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसको हम एक्स जेड एक्सिस बोल रहे हैं, अगर ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हम लोग रोटेट करा सकते हैं, ये ऐसा ऐसा रोटेट होगा, ऐसा सर्कुलर पाथ पे ये मूव करा सकते हैं। एक्स में जब रोटेट करेंगे तो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल बना करके ऐसे रोटेट हो जाएगा।
लेकिन अगर इसी गैस मॉलिक्यूल को हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कराएंगे, मान लो ये एक्सिस एक्स को हम रोटेट करा रहे हैं, तो ये पॉइंट मास अभी भी एक्सिस एक्स पे है, यहाँ पे भी एक्सिस पे ही है। जब दोनों पॉइंट मास बच्चों एक्सिस पे ही है तो क्या ये रोटेट करेगा? आंसर इज नो। मास इज ऑलरेडी सिचुएटेड ऑन एक्सिस, जब मास एक्सिस पे ऑलरेडी सिचुएटेड है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया मिलेगा, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया मिलेगा। आई क्या होता है? आई होता है एम आर स्क्वायर, एम फॉर मास, r is distance from axis of rotation, m for mass, r is distance from axis of rotation, m for mass and r is distance from axis of rotation, since this mass is already on axis of rotation, therefore यहाँ पे r क्या जाएगा? जीरो। r जीरो तो i जीरो, i जीरो तो क्या इसके पास x direction में कुछ भी axis of कुछ भी रोटेशन करने की टेंडेंसी रहेगी? आंसर इज नो। इसलिए रोटेशनल कितना है? दो है। तो आपको याद रखना है कि मोनोएटॉमिक गैस में टोटल कितने होते हैं? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एंड डायएटॉमिक गैस में टोटल कितने होते हैं? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। एवरीवन हाय ना रेज योर हैंड अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो। नोट करते चलिएगा जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। एकदम बच्चों कहानी के तरह, कहानी के तरह लाइक स्टोरी आपको थर्मोडायनामिक्स को दिमाग में सेट करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बच्चों दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा ग्राम स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट, एंड दूसरा हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट, दूसरा हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, जो ग्राम स्पेसिफिक हीट है इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट को सी से डिनोट करते हैं। नाम से क्लियर है, ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू रेज, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट मास में क्या आएगा? यूनिट मास में 1 ग्राम लिख सकते हैं, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट। यानी 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर आपको टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करना है वहां पे क्या आता है? वहां पे आता है ग्राम स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट नाम में क्लियर है, इसमें मोल लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, हीट रिक्वायर्ड to increase temperature of 1 mole of substance, 1 mole of substance by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius। यानी 1 mole substance का 1 degree Celsius से अगर temperature increase करना है तो वहां पर जो heat लगेगा that will be called as molar specific heat। Everyone हाँ या ना? Everyone जल्दी से raise your hand, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे बच्चे और नोट भी करते चलेंगे, राजधानी बन जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके बाद हमने ग्राम स्पेसिफिक हीट देख लिया, हमने मोलर स्पेसिफिक हीट देख लिया। अब देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट के टाइप क्या होते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट इसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना? मोलर स्पेसिफिक हीट बच्चों दो तरह का हो जाएगा, एक होता है सीपी, दूसरा होता है सीवी। सीपी क्या होता है? दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होता है मोलर स्पेसिफिक हीट उसको बोलते हैं सीपी। एंड सीवी क्या होता है? दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये लिख लीजिएगा।
अगर किसी भी सब्सटेंस को किसी भी गैस का टेम्परेचर, 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर हम 1 डिग्री से इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो जो हीट लगेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सीपी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हम 1 डिग्री से इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, तो वहां पर जो हीट लगेगा उसको क्या बोलेंगे सीबी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देख लीजिए इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला कुछ आपको रटने पड़ेंगे। सीपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इक्वल टू होता है 1 + F/2 इंटू आर। सीपी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 + F/2 इंटू आर। देखो बच्चों ये सब टॉपिक आपको कन्फर्म स्कोर देगा, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, थ्योरेटिकल आप इसको बोल सकते हैं लेकिन मार्क्स इसमें कन्फर्म आते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बच्चों आप कितना भी पढ़ लो अगर उसमें टफ क्वेश्चन आ गया तो आप गलत करके ही आएंगे, इसलिए इस वाले पार्ट पे ज्यादा आप लोग फोकस किया कीजिए, ठीक है। सीपी का ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो सीबी का होता है। सीबी का फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस इज Fr/2, सीबी इक्वल टू होता है Fr/2। तीसरा एक टर्म होता है गामा, गामा इज इक्वल टू गिवन बाई CP/CB। गामा कितना होता है, गामा होता है CP/CB। इसका एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा गामा का, गामा इक्वल टू CP/CB। और इसका एक और रिलेशन लिखते हैं 1 + F/2 पर है सीपी। चलिए वो एक और रिलेशन में आपको आगे बता दूंगा, फिलहाल बस इतना लिख लीजिए गामा इक्वल टू 1 + 2/F, ये लिख लीजिए गामा। और चौथा रिलेशन लिखेंगे CP - CB = R। ये सारे रिलेशंस लिख लीजिए, लिखो, स्टार लगाओ हर तरफ और लेके चलो सितारों की दुनिया में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। डायएटॉमिक का रोटेशन जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से देख लीजिए, ऐसा था डायएटॉमिक का रोटेशन, ये डायएटॉमिक गैस था। एक बच्चों टर्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ये कितना होता है, ये होता है m × r², m इज मास, r इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर y एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन हम रखेंगे तो y एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे मास है, यानी r का वैल्यू मिल रहा है, इसलिए y के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया मिलेगा। z एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन रखेंगे तो z एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे मास है, यहाँ पे भी r का वैल्यू मिल रहा है, यानी z के अलोंग ही मोमेंट ऑफ इनर्सिया मिलेगा। लेकिन x एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन रखेंगे तो ये मास ऑलरेडी कहाँ है, ये मास ऑलरेडी x एक्सिस पे है, तो इसका r का वैल्यू x के लिए कितना हो गया, 0। यानी मोमेंट ऑफ इनर्सिया अलोंग x एक्सिस 0 आ रहा है, इसलिए इस वाले एक्सिस को हमने क्या लिखा है, इसका रोटेशनल एनर्जी या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम x में नहीं लिया है रोटेशनल। चलिए इसके ये हो गया है नोट, तो सभी बच्चे रेज योर हैंड, फिर आगे चलते हैं। ओके वेरी गुड। अब चलिए क्या, अगर मैं आपको बोलू फाइंड CP, CV एंड गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस, CP, CV और गामा का वैल्यू बताइए किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो क्या हो जाएगा, अपने को मालूम है बच्चों CP क्या होता है, CP इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, CP इक्वल टू 1 + F/2 इंटू आर। तो CP इक्वल टू 1 + F/2 होल मल्टीप्लाइड बाई आर, एंड फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाउ मच, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो कितना हो जाएगा, 1 + 3/2 इंटू आर। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 5R/2। फाइंड CV फॉर मोनोएटॉमिक गैस, CV का फॉर्मूला देखिए क्या है, CV इक्वल टू Fr/2, CV इक्वल टू Fr/2, F इक्वल टू 3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस इंटू R/2। तो ये कितना हो गया, CV इक्वल टू Fr/2, 3R/2। अपने को गामा चाहिए, गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू होता है CP/CV, गामा फॉर मोनो एटोमिक गैस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CP/CV। CP तुम कितना हो, CP बोला मैं हूँ 5R/2, और CV तुम कितना हो, वो बोला मैं हूँ 3R/2। बहुत बढ़िया, 2 से 2 का झगड़ा कराइए, R से R का झगड़ा कराइए, दिस विल बी इक्वल टू 5/3। एवरीवन हाँ या ना, सही बच्चे बताएंगे यस और नो, रेज योर हैंड, वेरी गुड। वैसे ही बच्चों अगर मैं आपको दे दूं कि फाइंड CP CV एंड गामा फॉर डाई एटॉमिक गैस, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो CP CV गामा किसके लिए चाहिए, डाई एटॉमिक के लिए। CP का फॉर्मूला क्या है, देखिए CP का फॉर्मूला क्या है, CP इक्वल टू 1 + F/2 इंटू आर है, रख दीजिए 1 + F/2 इंटू आर।
अब देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक 5 बाई 2 इंटू आर, एलसीएम लेके वर्क कर जाएंगे कितना हो जाएगा 7R बाई 2। देखो इतना आसान आसान चीजें हैं इसमें। अगर बात करूं मैं सीवी की, सीवी क्या हो जाएगा, सीवी इक्वल्स टू एफ आर बाई 2 होता है, सीवी इक्वल्स टू एफ आर बाई 2 होता है। वी नो फॉर डायटोमिक गैस एफ इक्वल्स टू 5, दिस विल बी इक्वल टू 5R बाई 2, सिंपल। अपने को चाहिए गामा, गामा किसके लिए, डायटोमिक के लिए, क्या हो जाएगा सीपी बाई सीवी, सीपी तुम कितना हो, वो बोला मैं हूँ 7R बाई 2, बहुत बढ़िया यहाँ आ जाओ। सीवी तुम कितना हो, वो बोला मैं हूँ 5R बाई 2, बहुत बढ़िया यहाँ आ जाओ। आर सी आर का झगड़ा, 2 से 2 का झगड़ा, आर सी आर का झगड़ा, 2 से 2 का झगड़ा, कितना हो गया 7 बाई 5। सही बच्चे, हाँ या ना, रेज योर हैंड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट स्लोप फॉर डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्लोप फॉर डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस का स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाए, अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस का स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो बच्चों ये डिग्री ऑफ, एक क्वेश्चन बच्चों का आया है ऊपर में, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5 कैसे मिला, तो अभी आपको लिखाया था ना बच्चों, यहाँ पे जो मैं DOF लिखाया था ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले जो आपको पढ़ाया था ना बच्चों, यहाँ पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, इसी को हम लोग F से डिनोट कर रहे हैं। मोनोएटॉमिक के लिए F का वैल्यू कितना हो गया 3, डायएटॉमिक के लिए F का वैल्यू कितना हो गया 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही हम लोग F से डिनोट कर रहे हैं। अपना यहाँ पे जो फॉर्मूला आया था ना, ये वाला जो फॉर्मूला आया था, इसमें F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर है ना। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप फॉर डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज स्लोप। तो अगर आपके पास एक वाई एक्सिस है, दूसरा एक्स एक्सिस है, और कोई भी ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कीजिए, तो स्लोप विल बी इक्वल टू चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, या फिर स्लोप को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, वो टेंजेंट एक्स से कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल के टेन वैल्यू को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या फिर डी वाई बाई डी एक्स भी आप बोल सकते हैं, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। ये नॉर्मल अपना बेसिक मैथमेटिक्स में इतना आपने स्लोप ऑलरेडी पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास पोजिशन टाइम ग्राफ है, अगर अपने पास पोजिशन टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप कितना होगा, तो स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ विल बी इक्वल टू चेंज इन एक्स बाई चेंज इन टाइम, दिस विल इक्वल टू पोजिशन बाय टाइम, ये क्या देता है, ये वेलोसिटी देता है। अगर अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे हम स्लोप की बात करेंगे, तो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम डीवी बाय डीटी, ये क्या देता है, ये एक्सेलरेशन देता है। यहाँ पे बच्चों थर्मोडायनामिक्स में अपने को सबसे ज्यादा अगर स्लोप की बात करनी होती है तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व के लिए हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम कर्व की। अगर डायरेक्ट स्लोप बोल रहा है और कुछ भी कर्व के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको उसको बाय डिफॉल्ट एज्यूम करके चलना है दैट दिस इज अ प्रेशर वॉल्यूम कर्व, दिस इज अ प्रेशर वॉल्यूम कर्व। और प्रेशर वॉल्यूम कर्व अगर दिया रहेगा तो यहाँ पे स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू एम, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डीपी बाय डीवी, यानी थर्मो में अगर हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको डीपी बाई डीवी फाइंड करना है। स्टार लगा दीजिए, बॉक्स में रख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद रेज योर हैंड, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे अलग अलग प्रोसेस के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहला लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब नाम में ही थर्मल लगा हुआ है, मतलब आइसोथर्मल मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, टेम्परेचर इक्वल टू होगा कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर अगर बच्चों कॉन्स्टेंट होगा तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे
पीवी इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू होता है एन आर टी, तुम कॉन्स्टेंट हो गए टेम्परेचर, तुम कॉन्स्टेंट हो गए, एन नंबर ऑफ मोल ये भी कॉन्स्टेंट, आर का वैल्यू ऑलरेडी कॉन्स्टेंट, यानी पीवी इक्वल टू क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। तो आपको याद रखना है थर्मोडायनेमिक आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, पहला रिलेशन ये याद रखना है। दूसरा रिलेशन याद रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर बच्चों प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ बोला मैं होऊंगा हाइपरबोला, क्या होगा हाइपरबोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है हाइपरबोला। मतलब यहाँ पे बच्चों अगर वाई एक्सिस पे हम प्रेशर रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम वॉल्यूम रख रहे हैं, तो ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक, ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग स्लोप ऑफ दिस प्रोसेस, इस वाले ग्राफ का स्लोप हम फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं। स्लोप मतलब थर्मोडायनामिक्स में स्लोप मतलब डीपी बाई डीवी, मतलब अपने को चाहिए डीपी बाई डीवी। अपने पास बच्चों एक ऑलरेडी रिलेशन है पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी क्या होता है, पीवी इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट। चलिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, चलो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल लगाते हैं, एक बार पी को बाहर रखे डीवी बाई डी एक्स प्लस वी को बाहर रखे डीपी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, बहुत बढ़िया। अब देखो अब ये क्या हो जाएगा, पी इंटू डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये वाला टर्म जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वी इंटू डीपी बाई डी एक्स, डीएक्स डीएक्स क्या बोले, डीएक्स डीएक्स बोले हम दोनों झगड़ा करेंगे, झगड़ा करो कोई दिक्कत नहीं, अपने को चाहिए डीपी बाई डी भी, अपने को चाहिए डीपी बाई डी भी, डीपी यहाँ है डीवी यहाँ है, तुम इधर मल्टीप्लाई में हो, इधर से आके क्या हो जाओगे, डिवाइड में हो जाओगे। तो डीपी बाई डी भी इक्वल्स टू डीपी बाई डी भी इक्वल्स टू माइनस पी बाई डी, यानी आपको ध्यान रखना है कि स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज माइनस ऑफ पी बाई वी। एवरी वन, हाँ या ना, एवरी वन, वेरी गुड। यहाँ पे डाउट होगा तो पूछते चलिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके आगे चलते हैं, इसके बाद सेकेंड जो प्रोसेस है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस, या आइसोबैरिक प्रोसेस जिसको आप बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, इसके नाम में ही काम लगा हुआ है बारिक, बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों प्रेशर जो होगा वो रहेगा कॉन्स्टेंट, प्रेशर तुम क्या हो, तो प्रेशर बोला मैं हूं कॉन्स्टेंट, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर बच्चों प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो पी भी इक्वल टू क्या होता है, पी भी इक्वल टू होता है एन आर टी, ठीक है, एन कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, पी कॉन्स्टेंट, ये सभी टर्म कॉन्स्टेंट हो गए। तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम यहाँ पे बात करेंगे तो वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा रहेगा, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक है। लेकिन अपने को इस वाले ग्राफ का स्लोप नहीं फाइंड करना है, अपने को स्लोप फाइंड करना है प्रेशर वॉल्यूम कर्व का। तो यहाँ पे अगर प्रेशर वॉल्यूम कर्व हम बनाएंगे, अगर हम बच्चों प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व बनाएंगे, तो सिंस प्रेशर इज कॉन्स्टेंट देयरफॉर ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन दैट इज हॉरिजॉन्टल, और इस बार जो स्लोप होगा स्लोप कितना हो जाएगा, एम से डिनोट करेंगे, एंड अपने को मालूम है फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप इक्वल्स टू डीपी बाई डीवी, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, यानी अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप होगा जीरो, नोट कर लीजिए सही बच्चे, स्टार लगा दीजिए। नोट करने के बाद रेज योर हैंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुछ लोग का तो पहले ही आंसर आ जा रहा है, अच्छा है। चलिए आइसोबैरिक हो गया, आइसोबैरिक के बाद तीसरा हम लोग देखेंगे आइसोकोरिक, थर्ड प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में याद रखिएगा यहां पे क्या होता है, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहां पे वॉल्यूम
कॉन्स्टेंट होगा। अब बच्चों वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर देंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ये है पी वी इक्वल टू एन आर टी, तुम कॉन्स्टेंट तो भी कॉन्स्टेंट, मतलब यहां हम बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व यहाँ पर रखेंगे तो वो कर्व ऐसा आएगा। बट वी हैव टू फाइंड स्लोप दैट इज डी पी बाई डी वी। इस वाले प्रेशर टेम्परेचर कर्व का स्लोप अपने को नहीं फाइंड करना है, अपने को प्रेशर वॉल्यूम कर्व का स्लोप फाइंड करना है। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा, वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर रखा, एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा, एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम रखा। अब हम गए किसके पास, प्रोसेस के पास, तुम कौन सा प्रोसेस हो, प्रोसेस बोला मैं आइसोकोरिक प्रोसेस हूँ। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है। अगर यहाँ हम बच्चों वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कर देंगे तो कर्व कैसा आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन, जो वॉल्यूम यहाँ पे वही वॉल्यूम यहाँ पे, वही वॉल्यूम यहाँ पे, वही वॉल्यूम यहाँ पे, प्रेशर तो चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आ गया। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आप खुद देखिए वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ हम बात करेंगे स्लोप की, तो स्लोप इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू डी पी बाई डी वी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी स्लोप फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट, लिख लीजिए स्टार लगा दीजिए, स्लोप फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिन लोग का भी आंसर आया था बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, बाकी बच्चे भी सीक्वेंस में लिखते चले, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 3, ऑल आर ट्रांसलेशनल, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायएटॉमिक गैस इज 5, 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट इज दैट हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट के टाइप, दो तरह के स्पेसिफिक हीट, एक हो गया ग्राम स्पेसिफिक हीट, दूसरा हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट। ग्राम स्पेसिफिक हीट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मोलर स्पेसिफिक हीट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या बताया, फिर हमने आपको ये बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सीपी एंड अदर इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सीपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इक्वल टू 1 प्लस एफ बाई 2 अंडर ब्रैकेट इन टू आर, एंड सीबी इक्वल टू क्या होता है, सीबी इक्वल टू एफ आर बाई 2। इन दीज फॉर्मूला एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, देयर इज आल्सो अनदर टर्म दैट इज गामा व्हिच इज गिवन बाय सीपी बाय सीबी, गामा इज गिवन बाय सीपी बाय सीबी। और मैं आपको क्या बताया, और बताया गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस 2 बाय एफ, और एक और वहां पे फार्मूला लगाया क्या कि सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, इतना चीज हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने स्लोप का कैलकुलेशन पढ़ा फॉर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसमें हमने आपको क्या बताया कि जनरली जब तक कुछ भी मेंशन नहीं किया हो अपने वो ग्राफ को प्रेशर वॉल्यूम कर्व मानना है और स्लोप भी प्रेशर वॉल्यूम के लिए डिफाइन करना है। सबसे पहले इसमें हमने किसके लिए देखा, सबसे पहले इसमें हमने आइसोथर्मल के लिए देखा। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, और क्या होगा, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ विल बी हाइपरबोलिक। स्लोप का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू आया था एम इक्वल टू माइनस पी बाई वी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ बिटवीन पी एंड वी कैसा आएगा, दिस विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तो वहां पे स्लोप कितना होगा, स्लोप इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू हाउ मच, जीरो। आइसोबैरिक प्रोसेस का स्लोप कितना होता है, जीरो होता है, डीपी बाई डीवी इक्वल्स टू जीरो। फिर हमने क्या पढ़ा, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ बिटवीन पी एंड वी कैसा होगा, ग्राफ बिटवीन पी एंड वी विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विच विल बी मेकिंग एंगल 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ओके, अब ऐसा कंडीशन में स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू डीपी बाई डीवी इक्वल टू इनफाइनाइट विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है, हाँ सर। ओके, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, इसके बाद अपने को पढ़ना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लिखेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बच्चों किसी भी तरह का एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वक्त ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि ये जो गैस है वो इस तरह का रिलेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख लीजिए पी वी रेज टू एम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पी वी रेज टू एम इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट।
पीवी रेस टू एम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए अगर पीवी रेस टू एम कॉन्स्टेंट है तो यहां पे अगर हम कर्व की बात करेंगे तो देखिए प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेस टू एम, मतलब इसका ग्राफ भी कैसा होगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेस टू एम, तो इसका भी ग्राफ हाइपरबोलिक होगा, बट दैट विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपरबोला। पिछले वाला कंप्लीट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया था, ये भी हाइपरबोला होगा, लेकिन कैसा हाइपरबोला होगा फिलहाल हम नहीं बोल सकते। अब अपने को इसका क्या चाहिए, इसका कर्व कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका कर्व बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसका कर्व फाइंड करते हैं, फाइंडिंग कर्व। कर्व मतलब इसमें सॉरी फाइंडिंग स्लोप। स्लोप मतलब m, m मतलब dp बाई dv, अपने को ये फाइंड करना है। अपने पास क्या है, अपने पास रिलेशन है pv रेज टू m इक्वल टू कॉन्स्टेंट, pv रेज टू m इक्वल टू k दिया हुआ है। चलिए दोनों तरफ हम बच्चों क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। तो d pv रेज टू m बाई dx इक्वल टू dk बाई dx। अब k क्या है, कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें हमने p को बाहर ले लिया, dv रेज टू m बाई dx प्लस वी रेज टू एम को बाहर लिया dp बाई dx, यहां तक पहुंचे। अब देखिए यहां पे थोड़ा चेन रूल अप्लाई करेंगे, पी डी वी रेज टू एम बाई dv इंटू dv बाई dx प्लस वी रेज टू एम dp बाई dx इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। यहां तक अपना टर्म आ गया है ये। अब देखिए वी रेज टू एम बाई dv इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन रहेगा x रेज टू n का क्या होता है, n x रेज टू n माइनस वन, इसका हो जाएगा m वी रेज टू m माइनस वन इंटू dv बाई dx। ये वाला टर्म इधर पॉजिटिव है, इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वी रेज टू एन इंटू dp बाई dx, dx dx में हो गया झगड़ा। अपने को क्या चाहिए था बच्चों, अपने को चाहिए था dp बाई dv, तो dv तुम इधर चले आओ और तुम इधर चले आओ, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा p इंटू m इंटू वी रेज टू m माइनस वन डिवाइडेड बाई वी रेज टू m का नेगेटिव वैल्यू इक्वल्स टू dp बाई dv। अब हम स्लोप के पास पहुंच रहे हैं, देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस m इंटू p इंटू वी रेज टू m माइनस वन, और वी रेज टू m नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, वी रेज टू माइनस m इक्वल्स टू dp बाई dv। अब इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m इंटू p वी रेज टू m माइनस वन एंड वी रेज टू माइनस m, जब बेस बच्चों सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वी रेज टू माइनस वन इक्वल्स टू dp बाई dv, और अपना रिजल्ट यहाँ पे आ गया, दिस इंप्लाइज dp बाई dv इक्वल्स टू, ऊपर माइनस वन है नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस m इंटू p बाई v, माइनस एम इंटू पी बाई वी। दिस इज स्लोप ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, दिस इज स्लोप ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। याद रखिए आइसोथर्मल के लिए स्लोप कितना था, आइसोथर्मल का स्लोप कितना आया था, वहां पे आया था dp बाई dv इक्वल टू माइनस पी बाई वी, और यहाँ पे स्लोप कितना रहा है, dp बाई dv इक्वल टू माइनस एम टाइम्स पी बाई dv। आइसोथर्मल के लिए कंडीशन क्या था, pv इक्वल टू k, यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है pv रेज टू m इक्वल्स टू k, यानी जो पावर है ना वो आगे आ जा रहा है, बाकी पूरा का पूरा स्लोप सेम है, तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना, एवरीवन वेरी गुड, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद टाइम आउट होगा ना, टाइम आउट होने के बाद फिर से रिज्वाइन कर लेना है, ठीक है। मैं ऊपर से एक बार डेरिवेशन इसका दिखा देता हूँ, हालांकि डेरिवेशन आपको नहीं चाहे तो नहीं भी नोट कर सकते, अपने को रिजल्ट से मतलब है। जल्दी से ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, इस वाले पार्ट को नोट करने के बाद नीचे चलते हैं। आई होप आपने ये वाला पार्ट लिख लिया होगा, फिर ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। बच्चों चार क्वेश्चन नीट रखे हुए अपने झोली में, हो सकता है छह भी रखा हो, अपने को जाना है उसको मारना है, चार पांच छह जो को जो भी क्वेश्चन वो रखे हुए है उसको छीन करके लेके आना है, उसके लिए अपने पास सफिशियंट टाइम है, ठीक है। ये पूरा का पूरा थर्मो वाला एक भी क्वेश्चन उसके पास नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा लेके आएंगे विथ ऑल पॉजिटिव आंसर, सभी का सभी आंसर क्या होना चाहिए अपना करेक्ट।